ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक खुशी पी सच जुगो जुग अटल साहिब सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी साध संगत जीओ इस नगर विखे मेरे परम पूज्य महापुरुष संत बाबा सुचा सिंह जी तिना महापुरुषा ने जो इस समागम प्रारंभ किते उस सालाना समागम विच आप जी हाजरियां भर रहे हो बहुत प्यार वाले गुरु प्यारे कीर्तनीए भाई बलदेव सिंह जी बड़ाला जिन्हां ने आप जी नूं अमृतमय बाणी दा कीर्तन श्रवण करवाया अरदास तो उपरंत भाई जोगिंदर सिंह जी रियाल तिन्हां ने भी आप जी नूं अमृतमय बाणी दा कीर्तन श्रवण करवाना सत्कारयोग ज्ञानी पिंदरपाल सिंह जी तिन्हां ने भी आप जी नूं गुरमत विचार श्रवण करवाने आओ कुछ मिनट केवल हाजरी भरनी है कुछ कहन तो पहला सारे गुरफते दी सांझ पाओ गज के आखो जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। साध संगत जीओ सतगुरु पातशाह महाराज जी दी अमृतमय बाणी दा पवित्र बचन असी कीर्तन रूप विच श्रवण कर रहे सां। प्राणी एको नाम त्यावहो अपनी पत सेते कर जावो। सतगुरु पातशाह महाराज जी दी बाणी पढ़िए गरीब नवाज पातशाह जी ने नाम जपन दी बहुत प्रेरणा बाणी विच कीती और ए बचन इथो तक भी आखे कि तेरी जिंदगी दा प्रयोजन केवल ते केवल सिमरन करना है। तेरी जिंदगी दा प्रयोजन शरीर लैके कोई होर दूसरा कम नहीं, दूसरे कम दूजे नंबर ते ने। तेरा मेन कम पहला कम केवल ते केवल नाम जपन है। पर बंदे दे जीवन दी ए विडंबना है गुरु के स्वारो जेड़ा कम करन वास्ते आया उसनु दूजे नंबर ते कर दिता ते जेड़े कम एदे लई कोई कारगर नहीं उसनु पहल दे आधार ते इसने करना शुरू कर दिता। सतगुरां ने बड़े प्यारे बचन कहे, कह लगे ऐ जीव तू एक नाम नू त्या क्योंकि नाम तो बिना कदी तेरे जीवन दा भला नहीं। जदों असी खालसे दी गल भी करदे आ उस खालसे दी जड़ी मुढ़ है प्रारंभता है वह इथों ही बनती है भी आत्म रस जे जाने ही जेड़े आत्म रस जानते ने। आत्म रस शरीरक रस पुंच के कदी प्राप्त नहीं होंदे।
आत्म रस मानन वास्ते नाम रस चखना अत जरूरी है। हालांकि गुरु साहब जी ने बचन कहे ने भी बंदे दे जीवन नू बड़े रस लगे ने, मोटे तौर ते नौ रस इस दे जीवन नू ग्रफत विच उन्होंने लिया होया। रस सोयना, रस रूपा कामन, रस परमल की वास, रस घोड़े, रस सेजा मंदर, रस मीठा, रस मास। साहब कहिंदे एते रस शरीर कै कै घट नाम निवास। जिस शरीर नू इन्ने रस लगे होण उथे नाम दी संभावना, उथे नाम किथे टिके। खालसे दे वासी बनन दे लई आत्म रस मानना अत जरूरी, ते आत्म रस दा मुड है सिमरन करना, कमाई करनी। गुरु साहब जी ने बड़े प्यारे बचन कहने कि जिहड़ी तशबीह दित्ती है नाम जपन वालियां दी, नाम दा रंग लगे उहदी तशबीह उदाहरण दे जिहड़ी आ कि सूरमे नाल दित्ती है। जिवें मैदाने जंग विच सूरमा चढ़दी कला नाल लड़ के जित के आउंदा जंग उहनूं सूरमा कहा जांदा है। गुरु साहब कहिंदे नाम दा रंग लगना उहनां नूं लगदा जिहड़े सूरमे ने, जिहड़े तहैया करके शिद्दत दे नाल आलस नूं नेड़े नहीं आउण देंदे, हीन भावना नूं नेड़े नहीं आउण देंदे, जिन्हां दा केवल परपज ही जीवन दा सिमरन करना है गुरु के सवारे उन्हां नूं टिका नहीं। भाई साहब भाई वीर सिंह साहब कुदरत दीयां गल्लां करदिआं करदिआं उन्हां अध्यात्मक पांधियां दी तांग ते तड़प नूं भी बयान करदे ने। उह नहीं परवाह करदे, उह ते कहिंदे ने उह ते वहिंदे झरने दी तरह ने, जिहड़ा हौली हौली नदी बनदा है वह नदी फिर ठोकरां खांदी खोई, पत्थरां दीआं थफेड़ां खांदी खोई, अखीर नूं सागर विच जा मिलदी है, सागर हो जांदी है। इस करके गुरु साहब जी ने बचन कहे भी तू किन्ना कु जपदा है, मैना इस गल जिंदगी ए मैना रखदी है, किन्नियां नाम जपन लई गल्लां करदा है ये गल मैना नहीं रखदी, तू सिमरन किन्ना कु करदा। देखो गुरु साहब जी ने बचन कह कई गुंजैश नहीं, एक सवास दी भी सतगुरां ने गुंजैश नहीं रियायत नहीं दित्ती भी तेरा एक सवास भी यूं ही लंघ जाए। सास सास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरै चिंद। कहिंदे ने तेनू रियायत नहीं, क्योंकि पता नहीं कदों गुरु के सवारे उसदा सुनेहा आ जाए, कदों उसका हुक्म आ जाए। तो जिंदगी विच जिस बंदे ने अपना कम ही बड़ा बकाया रखिया होवे, स्वास मिणवे ते तोलवे होण, फिर उस बंदे दे जीवन विच आलस आ जाए, वह अपना जीवन तो फिर हार के जाएगा। इस करके गुरु साहब जी ने बड़े प्यारे बचन कहे ने, उन्होंने जुड़िया वास्ते भी बचन कहे, जुड़ना चाहिए सिमरन करना चाहिए, तो जेडे नहीं जुड़े उन्हां दी जिंदगी दा इत्थे आके की बनिया जां अगे की बनेगा उहदा भी उन्हां ने एक बचन कहा। कहिंदे सागत की अवरदा सगल ब्रिथारी, ज्यों कागद के भार मूसा टूक गवावत काम नहीं गवारी। कह लगे कागज दे भार, इहदी मॉडर्न व्याख्या दे विच लाइब्रेरी कर लो, कोई लाइब्रेरी विच चूहा वड़ जाए तो यह आस की जा सकती है कि वह चूहा उस लाइब्रेरी विचों बाहर विद्वान बन के निकलेगा, नहीं। गुरु साहब कहिंदे सगों इन्नी संभावना वो दे तो जरूर है भी वह लाइब्रेरी विच अपना कुछ दिन वसेबा कर गया, जेड़े होर पुस्तकां पढ़ के विद्वान बन सकते ने उन्हां सारिआं दा रस्ता साफ कर जाए। सतगुरु कह लगे साकत, जेड़ा बंदा नाम नहीं जपदा उन्हें अपने जीवन का ते की बनाना, इन्ना कु जरूर है जेड़े कोल बैणगे उन्हां सारे संगी साथियां नूं अपने नाल जरूर बहा सकदा। इस करके गुरु साहब जी ने सावधान भी किया
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਗਤ ਕੀ ਅਵਰਦਾ ਸਗਲ ਬਿਰਥਾਰੀ ਜੋ ਬੇ ਕਾਗਦ ਕੇ ਭਾਰ ਮੂਸਾ ਟੂਕ ਗਵਾਵਤ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਗਵਾਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸਾਹ ਸਾਹ ਸਿਮਰਨ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਏਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਬੜੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੜੀਆਂ ਚੋਗ ਚੁਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੋਗ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਛੀ ਚੋਗ ਚੁਗਦੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੁਗਦੀਆਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿ ਕੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰ ਨਵਾਇਆ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਿਰ ਨਵਾਇਆ ਤੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਮਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਲਈਆਂ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਾ ਨਵਾ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੈਸੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰੱਖ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਵੀ ਜਿਸੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਹਿਣਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਖਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਚੱਲਦਾ, ਬੰਦਾ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਵੀ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਉਂਗਲ ਜੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਖਰਚ ਕੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਉਹ ਜੇ ਲੱਤ ਪੈਰ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਐਨਕ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁਕਰ ਜਾਏ ਇਹ ਤੇਰੀ ਅਕਿਰਤ ਕਣਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅਸ਼ਿਆਨਾ, ਖਾਣ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪਕਵਾਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਤਾਂ ਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ ਜਾਂ ਕੋ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜਿਉਂ ਜੀਵਨ ਬਲਨਾ, ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ, ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੇ ਅੰਤ ਚਲੈ ਗੋਹਾਰੀ। ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਦੀ ਦਾ ਭੁੱਲੀ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਕੀਤੇ ਸਮਝ ਲਏ, ਪਰਮਾਰਥ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹੋਰ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਆਪਣੀ ਇਲਮ ਕਰਕੇ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੇ ਘੰਟਾ ਲਾ ਲਵੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ, ਅੱਜ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਐਡੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸਵਾਈ ਦੇਵੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਗੁਜਾਇਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਦਾ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਪਤ ਅੰਦਰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਖੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਤਿੰਨ ਹੀ ਗਾਏ ਜਾਂ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ
सत्कारयोग ज्ञानी पिंदरपाल सिंह जी सारिया संगतां दे सहयोग उद्दम उपराले सदका। देखो बाबा जी ने पहले दिन बचन कहे ये मेला बन जाएगा। आ पहला टिब्बे ते दीवान लगा, थोड़े जे प्राणी पहले दीवाना विच हाजर होए, हौली हौली उन्हां महापुरशां दे बोल बचन और उन्हां दी कमाई आप जी सारे गुरु साहब जी दे चरणां विच जुड़ बैठे हो। आओ जिस नाम दा जिक्र सतगुरु जी करदे ने जपन लई, जिहदा वार वार सारे बुलारे सिमरन करन लई जिक्र करदे ने, ओ एक वारी नाम जप के भी वेखिए, कोई रसना वांझी ना रहे। सब ने कृपा करनी उच्ची आवाज नाल, क्योंकि सारा दिन बुलारे स्टेज ते बोलदे रहे बोलदे रहणगे, ते सानू संगती रूप विच ए बोलन दा समय, कोई रसना वांझी ना रहे। सब ने कृपा करनी वाहे गुरु 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 साध संग जी। तीन हिस्सों में बीबिया भैन भी उच्ची आवाज में कृपा करन, पहला दास बोलेगा, उस तो बाद समूह भाई वीर ने, और उस तो बाद सत्कार योग मातावां भैन ने उच्ची आवाज सहित कृपा करनी। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। 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 गुरु कृपा करे इसे तरह सिमरन सतगुरु पातशाह जी करवान ताकि ए खाकी जिसम फना होने तो पहला अपनी जिंदगी दा करतव निभा के जाए जीवन सफला कर जाए। इनियां बेनतियां प्रवान प्यार सहित फतेह गिदाऊ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप संगतां इसे तरह